अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग का आज लेक्चर 4 है। इससे पहले हम प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं, सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं सोर्स कोड से। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसे सोर्स कोड कहते हैं। इससे पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुके हैं। वो लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी होती हैं, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, उन्हें हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड का दूसरा नाम सोर्स प्रोग्राम भी है, और सोर्स कोड को कंप्यूटर पे डायरेक्टली अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उसे डायरेक्टली नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता? क्योंकि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं करता। इसे पहले ऑब्जेक्ट कोड में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड भी बोलते हैं, और इसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। क्यों डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि कंप्यूटर की ये नेटिव लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर क्या होते हैं? सोर्स प्रोग्राम को क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करने के लिए उसे किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर का भी नाम देते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है दैट कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, जो सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हर कंप्यूटर का अपना ट्रांसलेटर होता है, जैसे सी लैंग्वेज है तो उसका अपना ही ट्रांसलेटर होगा। टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर्स कितनी टाइप के होते हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है? अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। कंप्यूटर कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एज अ होल कन्वर्ट कर देता है। जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सबको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर किस तरह काम करता है? हमने एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लिया है, उसे जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर हर स्टेटमेंट को पहले चेक करेगा, फिर वो उसका मशीन कोड जनरेट करेगा। मशीन कोड वो तब जनरेट करेगा अगर उसमें कोई एरर्स नहीं होंगे, वो उनकी सिंटैक्स एरर्स को भी चेक करेगा। अगर सोर्स प्रोग्राम में कोई एरर होंगे तो वो उन्हें कंपाइल नहीं करेगा। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दूस लैंग्वेज फॉर विच इट इज रिटन। और कंपाइलर सिर्फ उन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा जिनके लिए वो लिखा गया होगा। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दूस प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। इस तरह सी कंपाइलर है तो वो सिर्फ सी लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उन्हें ही कंपाइल करेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो मशीन सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मगर दोनों में देखें डिफरेंस क्या है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करता था, ये एक ही वक्त में एक की एक स्टेटमेंट को ये कन्वर्ट करता है। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। ये क्या करेगा? इसे हमने एक प्रोग्राम दिया है तो वो उसे वन बाय वन हर लाइन को, वो एक स्टेटमेंट जो होगी उसे ही ट्रांसलेट करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। इफ देयर इज एरर इट स्टॉप वर्किंग। और अगर इसमें कोई एरर होगा तो उसे ये वर्क नहीं करेगा, उसे आगे नहीं जाएगा। एडवांटेज क्या है इंटरप्रेटर के? हमें कब क्यों जरूरत पड़ी? जब कंपाइलर था, एरर फाउंड इमीडिएटली, कि अगर हमें अरे प्रोग्राम में कोई एरर होगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चेक करता है तो उन्हें एरर को ढूंढना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।
प्रोग्रामर करेक्ट एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट, और प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने के दौरान ही उन्हें सही कर लेगा उन एरर्स को। मगर इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, जैसे ये इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, ये कंपाइलर की निस्बत इतना एफिशिएंट नहीं है, ये डजंट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, या ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करता, हर दफा जब हमें प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट कोड हमें वो इंटरप्रेटर जनरेट करेगा। कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड, और हर टाइम अगर उसे चलाना होगा तो वो इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ये एक प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उन्हें मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आज का हमारा लेक्चर इसी पे था, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हिस्ट्री